ये कहानी है 20 लाख साल पुरानी, जब इंसान इस दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर अपनी प्रजाति को इस धरती के वातावरण में खुद को जीवित रखने के लिए अब तक प्रयासों में लगा हुआ था। इंसान तब यहाँ तक नहीं जानता था कि वह कौन है, इस दुनिया में क्या कर रहा है। ये कहानी मुख्यतः पाषाण काल के प्रथम चरण की है, जब इंसान दुनिया में खुद को सर्वाइव करने का एक नमूना पेश कर रहा था। इस दौर में इंसान कुदरत के बहुत करीब रहता था। इंसान ने जब अपने सफर का आगाज किया तो उसके पास केवल शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं था, ना तो कोई हथियार था और ना ही किसी भी प्रकार का कोई औजार। उसे हर दिन किसी न किसी नए प्रकार के चैलेंज का सामना करना पड़ता था। उस कठिन वक्त के समय जहां इंसान के लिए सबसे कारगर चीज साबित हुई, वह था दिमाग, जिसने उसके लिए नए नए रास्ते खोज निकाले और इंसानों को समझा दी, जिससे वह आगे बढ़ाने में सफल रहा। इस सफर में उसे शुरू से ही दूसरे जानवरों से खतरा बना रहता था। अपने आप को महफूज रखने के लिए उसने अनेक आविष्कारों को जन्म दिया, जिसमें मुख्यतः हथियार शामिल थे। उसे अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए शिकार पर भी निर्भर होना पड़ता था। अपने आप को जिंदा रखने की लड़ाई में उन्होंने खुराक के तौर पर जानवरों को मारना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें उस समय के रूप में देखते हुए लोग उन्हें हंटर कहने लगे। पाषाण काल के इस जमाने में इंसानों ने पत्थरों को बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह उन्हें ताकत की जोर से दूसरे पक्षी और जानवरों को जख्मी कर देते थे और उन्हें मारकर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर इंसानों ने अपनी जरूरतों के साथ हथियारों में परिवर्तन लाना शुरू किया, जिससे वह उन्हें और भी खतरनाक बनाने लगे और इन हथियारों को काटकर पतली धारदार बनाने लगे, जो कि बाद में इन्हें और भी ताकत देने लगे। इंसानी जीवन की तरक्की का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वह गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से अपने भाव, अपने विचारों को एक संदेश और प्लानिंग के रूप में प्रयोग करने लगे होंगे। पाषाण काल में लिखावट का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिससे हम उनकी मौजूदगी और उनके दैनिक कार्यों का अंदाजा लगा सकते हैं। चित्कारा के इन नमूनों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों में खूबसूरती का एहसास पैदा हो गया था। पाषाण काल की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उस समय मर्दों और औरतों में कोई भी भेजता नहीं थी, कोई किसी प्रकार का कमजोर नहीं था। दोनों मिलकर शिकार किया करते थे और हर परिस्थिति में एक साथ रहते थे और वह मिल बांट कर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस समय मानव को किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं था। वह सिर्फ प्रकृति के इशारों पर चलते थे, वह प्रकृति के अनुसार चलते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह सब बदल गया और आधुनिक युग में मानव प्रकृति का विजेता बनता जा रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।